आप कोरोना पॉजिटिव हैं? बता रखा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या कारण रहा कि अचानक से प्रशासन ने इतनी जांच की है? 118 पे 81 पर कॉल किया बार बार गांव के लोगों ने और शिकायत की है कि यहाँ से कोरोना से मौत हुई है लेकिन कोई कोरोना से नहीं हुई। अच्छा, तो जो जांच हुई थी, प्रशासन ने जांच की थी, उस समय कितने कोरोना पॉजिटिव यहाँ से मिले थे? 95। अच्छा, तो हुई थी, शादी तो हुई है गांव में, 3-4 हुई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है शादी में। तो क्या बीमारी, वैसे तो 25% ही हुआ उसे, उस साइड में बाकी बताओ वो करवा रहे नहीं है। अच्छा, जो पहले स्टार्टिंग में बीमारी इस साइड में ही आई थी। अच्छा, जो जांच होने से पहले जिनकी खाने पीने की पाबंद तो कर ही दिया, जो पॉजिटिव आ रहे हैं ना उनको पाबंद कर दिया। हाँ। और जैसे ग्राम सेवक और सरपंच आके बोले कि आपकी सभी सुविधा होगी। हाँ। हमारे मोहल्ले में कोई सब्जी की कोई कुछ भी नहीं आता, दूध की प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम है, और कोई पॉजिटिव है उसके कोई तकलीफ नहीं आज के दिन इस मोहल्ले में जो है ना उसके कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पॉजिटिव होने के बाद उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता, कोई इस गली में नहीं आता है, उधर से बाहर चल जाते। जैसे ये पता है कि हाँ पॉजिटिव। हाँ, नहीं इस गली में 95 हुए ना, इधर ही हुए हैं इस मोहल्ले में, तो उसके बाद में कोई नहीं आया इस तरफ क्या कोई नहीं आया। जो मीडिया वाले आए वही आए। तो ये बताइए कि अभी आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे कि भी खाने पीने की प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत क्या सामना करना पड़ रहा है और कितने दिनों से आप इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं? कम से कम 10-12 दिन हो गए। अच्छा, हाँ। ना सब्जी आ रही है ना कुछ और? कुछ भी नहीं आ रहा, जो दूध मोल ले रहे हैं उसको भी दूध नहीं मिल रहा है। अच्छा, बोलते हैं कि उस साइड में पॉजिटिव है। अच्छा, तो इस वजह से वो डर के मारे यहाँ नहीं आ रहे। हाँ, ये दिक्कत है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव मैं खुद हूँ लेकिन प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। कला में 95 केसेस एक साथ पॉजिटिव आए थे, उसके बाद 3 पॉजिटिव केस एक और आए हैं और एक पॉजिटिव केस कल और आया है। लेकिन अभी तक जिस दिन पहली बार हमारे यहाँ पॉजिटिव केस निकले थे 15 तारीख को, उस दिन यहाँ पे प्रशासन की कम से कम 15-20 गाड़ियाँ एक साथ आई थी, जिसमें कलेक्टर साहब भी थे, SDM भी थे, तहसीलदार भी थे, पुलिस प्रशासन भी था, उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट भी था। और जिस दिन 15 तारीख को हमारे यहाँ पॉजिटिव केस निकले, उस दिन नर्स जो है वो सबको मेडिसिन दे के गई थी, 5 दिन की दवा दे के गई थी। उसके बाद से हमारे गांव के अंदर अभी तक मेडिकल डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉई नहीं आया है। सब लोग 5 दिन की दवाई ले चुके हैं, न तो यहाँ पे कोई जांच करने की, दोबारा से जांच करने की कोई प्रोसेस है, न मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई बंदा आ रहा है। अगर हम अपनी नर्स जो गांव के अंदर जिसकी ड्यूटी है उससे हम संपर्क कर रहे हैं तो वो कह रही है कि आप अपने हिसाब से अपनी जांच करवाओ। तो एक साथ 100 लोग कैसे जांच करवा सकते हैं? आज के दिन यहां कन्विंस की प्रॉब्लम है, बसें बंद हैं, तो लोग कैसे, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कि एक साथ 100 लोग जाके सूरजगढ़ या चिड़ाव के अंदर हम लोग जाँच करवा पाएं। तो गवर्नमेंट सरकार से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम सब लोगों की दोबारा से और सैंपल लेके और हमारी रिपोर्ट करवाई जाए। धन्यवाद। ये बताइए कि जैसे ये 95 पॉजिटिव आने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि हमारे जो दूध और सब्जी की जो प्रॉब्लम आई है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि खाने के लिए तो हमारे पास में जैसे अनाज वगैरह की तो सब हमारे घर में जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो सब लोगों के पास में रहता है, लेकिन जैसे किसी के घर के अंदर गाय भैंसे नहीं है तो उसको दूध मोल लाना पड़ता है, तो दूध की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है। सब्जी के लिए हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, आप पॉजिटिव केस हो, आप वापस घुस जाओ। दूध अगर कहीं लाने जाते हैं तो वो वापस हमें घुसा देते हैं। पुलिस वाले यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं गांव के चारों तरफ, हमारे मोहल्ले के चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, 4-5 सिपाही रोज आते हैं यहाँ पे और ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए खाने पीने की, मतलब जैसे कि सब्जी और दूध की कोई व्यवस्था नहीं करी गई। हमने पुलिस प्रशासन को बता दिया कि हमें खाने पीने में दूध और सब्जी की प्रॉब्लम आ रही है, हमने मीडिया को बता दिया, लेकिन अभी तक कोई किसी तरीके की हेल्प नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? किशोर सिंह शेखावत। किशोर जी, क्या मैटर है अपने गांव में, क्या हुआ, कैसे चला यह सिलसिला पॉजिटिव संख्या आने का? पॉजिटिव संख्या 95 पहुंच गया था जी। कैसे? ये हमारे कोई भैया प्रशासन ने की थी, प्रशासन ने की थी। तो कितने मिले उसमें पॉजिटिव? 95 पॉजिटिव मिले। क्या कारण रहा कि प्रशासन ने जांच की? प्रशासन ने मौत की वजह से जांच की थी। और एक बार टोल फ्री नंबर पर टोल फ्री। क्या नाम आपका? आशीष। ये जो राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र शालू है, हाँ जी, ये कितने दिनों से बंद पड़ा है? ये लगभग 3 साल से बंद पड़ा है। अच्छा,
आज जैसे ये खुला है, हम आए हैं, तो क्या कारण आज खुलने का? फिर क्या पता, वो तो इनको पता ही, सफाई कर्मी आए हैं, इनको पता क्या कारण है। इसके अलावा डॉक्टर या फिर कोई नहीं बैठता है यहाँ पे, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो आपके गांव में एक साथ 89 से 95 के लगभग कोरोना पॉजिटिव आए थे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई भी सुविधा नहीं मेडिकल से संबंधित, कुछ भी नहीं। किसी को लेनी है।